नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ निश्चय टू योजना के तहत 12 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा है उसको पूरा करने में नीतीश कुमार जी जान लगाए हुए हैं। ताबड़तोड़ बहालियां निकाली जा रही है, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हो, हरेक विभाग में जो है बहालियां निकाली जा रही है। इसी के मद्देनजर जैसे ही इस बार आचार संहिता समाप्त हुआ, एक नई बहाली नीतीश कुमार के द्वारा निकाली गई और ये बहाली थी स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की बहाली थी जिसको लेकर नीतीश कुमार ने नियुक्ति जारी किया था। अब ऐसे में ये बहाली जो है वो इस वक्त लटकता हुआ नजर आ रहा है। यही बहाली नहीं बल्कि उस समय के निकाले गई कई बहालियां हैं जो लटक रही हैं। इसके पीछे का कारण आरक्षण है। आप सभी को पता है कि बिहार में पहले से 49.5% आरक्षण था, लेकिन कुछ समय पहले नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन की सरकार में जाति आधारित जनगणना कराया गया था और उसी के मद्देनजर जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ा दिया गया। पहले आरक्षण का दायरा 49.5% था, उसे बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, जिसके बाद सरकार बदल गई नीतीश तेजस्वी की, आचार संहिता लग गया। नीतीश कुमार जो धराधर्म बहाली निकालने वाले थे वो बहाली निकलना बंद हो गया क्योंकि आचार संहिता लग गया था। तो जैसे ही आचार संहिता खत्म हुआ, नीतीश कुमार के पास 1 साल से भी कम का समय बाकी रह गया अपना वादा पूरा करने को लेकर, नीतीश कुमार ताबड़तोड़ बहालियां निकालना शुरू कर दी। अब ऐसे में नीतीश कुमार एक तरफ बहाली निकाल रहे थे, दूसरी तरफ जाति आधारित जनगणना को चैलेंज करने वाला केस पटना के हाईकोर्ट में चल रहा था। फैसला आता है कि जो आरक्षण है वो असंवैधानिक तरीके से बढ़ाया गया, तो अब जो आरक्षण है वो पहले के भांति ही लागू रहेगा। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अभी लंबित है, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट से जो आदेश है वो रद्द हो चुका है, तो अब ऐसे में इस आदेश के आने से पहले, यानी कि पूर्व की भांति जो आरक्षण रखने वाला आदेश था पटना हाईकोर्ट का, उसके आने से पहले जो बहाली निकाली गई वो बहालियां अब लटक रही है, क्योंकि उन बहालियों में जो आरक्षण का जो तरीका था वो नए तरीके से जारी किया गया था, 65% वाला। अब 65% वाले आरक्षण के तहत बहाली तो निकाल दी गई, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने बीच में ही वो आदेश को वापस करवा दिया, तो अब एक बार फिर से इस पूरे बहाली में तैयारी करने की जरूरत पड़ गई सरकार को, इसीलिए बहालियां जो है लटक रही है। अब सरकार नए सिरे से फिर से बहालियां निकालेंगी जिसमें आरक्षण का दायरा पहले के जैसा होगा। तो इसी के कारण नीतीश कुमार की बहालियां जो है वो लटक रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार लगातार इसमें लगे हैं, एक तरफ बहालियों को निकालने में भी जल्दी जल्दी निकाला जाए ताकि लोगों में विश्वास बना रहे, तो वही दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि दो ऐसे मुद्दे हैं इस बार जो विधानसभा के चुनाव में, माफ कीजिएगा, लोकसभा के चुनाव में NDA को बहुत परेशान कर दी। एक था यही आरक्षण का सीमा और दूसरा बिहार के अंदर रोजगार। बिहार के अंदर रोजगार के मामले में BJP फिसड्डी हो जाती है, इसके कारण NDA बिहार के लोकसभा चुनाव में पिट गई। आरक्षण को लेकर भी तेजस्वी यहाँ पर आरक्षित वर्ग के लोगों में बखूबी ये संदेश देने में सफल रहे कि जो आरक्षण है उसको भाजपा खत्म करना चाहती है, भाजपा संविधान को बदलना चाहती है। तो वैसे भी एक बड़ा मुद्दा बन गया इस बार के लोकसभा के चुनाव में और रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने BJP से दूरी बना ली। हालांकि अब देखने वाली बात है, इस चीज को समझते हुए NDA के सभी दल, चाहे जदयू हो, भाजपा हो या फिर लोजपा हो, सभी दल अब नए सिरे से जो बहालियां हैं उसके पीछे लगी हुई हैं। आरक्षण का जो दायरा था उसको लेकर भी लगातार सुनवाई चल रही है। देखने वाली बात है कि इस पे आगे क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 10 मिनट के साथ। धन्यवाद।